इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी राहत देने और खुशी की न्यूज आ रही है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। जो कि आपको बता दें, आज ही अभी ऐलान किया गया बहुत सारे देशों के लिए, मतलब नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट का ऐलान कर दिया गया। बता दें वो केवल आएंगी वहाँ से, उसमें प्राइवेट मतलब प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो एयर, फिर स्पाइस जेट और गो एयरवेज, बहुत सारे मतलब एयरवेज को इसमें शामिल किया गया, जो वंदे भारत मिशन चल रहा है। तो एक हिसाब से नॉर्मल की शुरुआत होने वाली, बस मैं आपका साथ बताऊंगा कौन से कंट्री है, कहाँ से मतलब नॉर्मल फ्लाइट स्टार्ट होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जैसा तो आपको मालूम होगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूज आ रहा था 15 जून को नॉर्मल फ्लाइट शुरू हो गया, लेकिन अभी ये 15 जून को तो ये नहीं शुरुआत हो रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ा अपडेट निकल के ये आ रहा है कि बहुत सारे जो प्राइवेट फ्लाइटें थी उनको ऐड किया जा रहा है वंदे भारत मिशन के तहत। तो बहुत उसका शुरुआत भी हो चुका है, जो कि मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जो कि इंडिगो एयरलाइन को लेकर, जो कि काफ़ी बड़ा अपडेट है। या इंडिगो एयरलाइन हो गई, या फिर और आपको बता दें कि इसमें गो एयरवेज, बहुत सारी फ्लाइट इसमें शामिल हो चुकी हैं, जो कि काफ़ी राहत देने वाले, विदेश में जो बचे हुए नागरिक हैं उनके लिए काफ़ी खुशी की न्यूज़ बस तो आ चुकी, बहुत सारे कंट्रियों के लिए तो आ चुकी है वो खुशी की न्यूज़ बस, और बाकी देशों के लिए भी आना बाकी। नॉर्मल फ्लाइट मतलब स्टार्ट होने वाला, नॉर्मल स्टार्ट हो या ना हो, मगर एक तरह से नॉर्मल ही होगा ना। एयर इंडिया, गो एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, बहुत सारे देशों से वर्क ऑपरेट करना जब शुरू कर देंगे, वो भी वंदे भारत मिशन के तहत, तो उसमें प्राइस का भी दाम काफ़ी कम रहेगा। तो आपको बताते हैं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जो कि प्राइवेट इंडिगो एयरलाइन, गो एयरवेज, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट मतलब इसमें स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट है, आप सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और तो वहीं आपको बता दें, सबसे पहले वो कंट्री है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के लिए मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट को स्टार्ट, इसमें एयर इंडिया तो पहले वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेट कर रही है, लेकिन इसमें कौन सी फ्लाइट और अपडेट की गई है, गो एयरवेज है, इंडिगो एयरलाइन है, जो कि काफ़ी भारी तादाद में ऐड किया गया, जो कि काफ़ी राहत देने वाली खबर है। आपको बता दें, यहाँ से दमाम, रियाद, जिद्दा, मतलब सभी एयरपोर्टों से सऊदी अरबिया के लिए ऐलान कर दिया गया। आपको बताते हैं, और बाकी यूरोप हो गया, या ओमान, दुबई, बहरीन, इन सभी के लिए हालांकि अभी कोई अपडेट नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा जिस तरह ये मतलब पहले दमाम सऊदी अरबिया से ये गो इंडिगो एयरलाइन, गो एयरवेज ऑपरेट करना शुरू कर देंगे, उसके बाद हो सकता है एक दो दिन में और जगह के लिए भी ऐलान कर दिया गया, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत भारी प्रेशर है, क्योंकि बहुत सारे लोग विदेश में बचे हुए हैं, जो तकरीबन 4 करोड़ है, बहुत सारे लोग इंडिया आना चाहते हैं, जो कि आपको बता दें इंडियन एयरलाइन का जो टिकट बिक्री था उसमें भी काफ़ी मतलब प्रॉब्लम आ रहा था, उसके मतलब सरकार ने भी उन सभी को राहत दिया, जो कि काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइन, गो एयरवेज और एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, बहुत सारे मतलब जो फ्लाइटें जो ऑपरेट करेंगे फिर से, तो हो सकता है आपका बहुत सारे लोग जो इसके पास खाने के लिए ठीक नहीं है, रहने का ठीक नहीं है, जिसके माता पिता घर पे या गाँव में एक्सपायर हो गए, वो अपनी मतलब अंतिम दर्शन भी नहीं कर पा रहे, तो उन सभी के लिए मतलब बहुत खुशी की न्यूज आने वाली। बाकी और कंट्रियों के लिए मतलब ऐलान किया जाएगा, इंडिगो एयरलाइन हो गई, या गो एयरवेज हो गए, या और स्पाइस जेट हो गए, मतलब इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, जो कि काफ़ी राहत देने वाली, क्योंकि सऊदी अरबिया से मतलब ये सब फ्लाइट ऑपरेट करेंगी, गो एयरवेज, इंडिगो एयरवेज, जो कि काफ़ी बेहतरीन हुई है। आपको बता दें, इसमें आपको बता दें, अहमदाबाद, मंगलोर, बंगलोर, भुवनेश्वर, दिल्ली, गया, मतलब बहुत जगह इंडिया में बहुत सारी जगहों से मतलब फ़्लाइट को ऐलान कर दिया गया, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो अगर जो आप सऊदी अरबिया में रहते हो तो उनके लिए तो खुशी की न्यूज़ हो। बाकी और अरब कंट्री की बात करें तो बस थोड़ी ही दिन में मतलब आने वाली है, और यूरोप हो गया, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, मतलब बहुत सारी जगहों के लिए फ़्लाइट ऐलान किया जाएगा, जो कि काफ़ी मतलब ये वंदे भारत मिशन के तहत ही चलेगा ये सब फ्लाइट, जो इंडिगो एयरवेज हो गई, ये गो एयरवेज, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, बशर्ते और फ्लाइट को ऐड किया जा रहा है, क्योंकि भारी तादाद में लोग मतलब इंडिया आना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार मतलब काफ़ी सोच समझ के ये फैसला लिया उन सभी के लिए। तो नॉर्मल फ्लाइट मतलब एक हिसाब से तो ये नॉर्मल फ्लाइट ही हो गई, अगर जो सभी प्राइवेट कंपनियां भी इसमें ऑपरेट करेंगी, तो भले ही इसका नाम वंदे भारत मिशन रहेगा, मगर एक हिसाब से तो नॉर्मल फ्लाइट हो जाएगी, जो कि काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी राहत देने वाली खबर है आप सभी के लिए। जैसे ही मतलब सऊदी के लिए तो ये हो चुका, अमेरिका, यूएसए, या फिर ओमान, दुबई, बहरीन, या और कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जैसी ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जरूर से ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है हमारे यहाँ से नॉर्मल फ्लाइट कब शुरू होगा, बहुत सा भारी मात्रा में कमेंट आ रहा, तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।